द क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट विच इज साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है विच इज साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए, और आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि आप ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है ना, इसको आप इसका जो इनपुट है विच इज और एक्स प्लस ए, आप इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। मीन्स आप एक्स प्लस ए को एक सिंगल वेरिएबल लेट टी से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि अब आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है, तो फिर आपको ये जो डीएक्स वाला डाटा है इसको भी डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप डीएक्स को डीटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा। और इन केस अगर मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1, ए का डेरिवेटिव 0, और इसको आप लिख सकते हैं डीटी ओवर डीएक्स, या फाइनली आप लिख सकते हैं डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। अब देखिए, क्योंकि फंक्शन के वेरिएबल में भी आप चेंज कर चुके हैं और डीएक्स को भी आप कन्वर्ट कर चुके हैं कि डीएक्स जो है वो एग्जैक्टली डीटी के बराबर आ रहा है, तो अब आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे डेट इज इंटीग्रल साइन साइन, और यहां पे क्योंकि एक्स मौजूद है तो आप एक्स को इस इक्वेशन से लिख सकते हैं डेट इज एक्स इज योर टी माइनस ए। तो इनपुट में आपको मिलेगा टी माइनस ए। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है साइन टी, और डीएक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डीटी से। अब आपको पता होना चाहिए द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। इन केस अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी के, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा। आप चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बनेगा साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन टी और डी टी के। अभी आपको ये करना चाहिए कि आप इस एंटायर एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। जैसे आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा साइन टी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन टी। फर्स्ट पार्ट को आप ये लिख सकते हैं, अगले पार्ट को आप लिख सकते हैं कॉस टी साइन ए, कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन टी से साइन टी कैंसिल हो रहा है, और अब इसमें अगर मैं फर्दर इसको लिखना चाहूं तो कॉस ए क्योंकि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं एंड दिस इज योर डी टी। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि माइनस के साइन ए आपके पास बाहर आ रहा है, साइन ए को आप बाहर ले सकते हैं, और यहां पे इंटीग्रल आपको मिल रहा है कॉस टी ओवर साइन टी और डी टी के, ठीक है। अब फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा कॉस ए इंटू टी, दैट इज कॉस ए इंटू टी, क्योंकि डी टी का जो इंटीग्रल है वो आपको टी मिलने जा रहा है। यहाँ पे माइनस साइन ए, दिस इज माइनस साइन ए, और ये बचता है इंटीग्रल ऑफ कॉट टी डी टी, ठीक है। अब देखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट में तो कॉट टी का इंटीग्रल शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर आप आगे एक्सरसाइज में मूव करते हैं तो कॉट टी का डायरेक्टली इंटीग्रल आप एल एन साइन टी लिख सकते हैं विच इज लॉग ऑफ साइन टी। और इन केस अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है कि आप साइन टी को कुछ फिर से एक नया वेरिएबल लेट कर लें, तो जो कॉस टी डी टी है वो आपका इसके चेंज में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब जब आप साइन टी को लेट के से रिप्लेस कर रहे हैं तो कॉस टी डी टी को आप डी के में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मैं अलग से बता रहा हूं, मतलब बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप कॉट टी को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि जस्ट अगली एक्सरसाइज में आपको कॉट टी के इंटीग्रल को भी याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इन केस अगर आप कॉट ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रल होता है एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो फाइनली ये बनेगा टी कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं एल एन मॉड ऑफ साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब बस ये करिए कि जो टी आपने लेट किया था उसकी वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि टी आपके पास क्या है, टी आपके पास है एक्स प्लस ए, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए
इंटू एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए का मॉड प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।